असलम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत होंगे। तो जी भाई, नाज़िया आपा का जो है गाड़ी आ गया है माशाल्लाह से, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आपको और भी आपके रोज़ी पे, आपके शौहर की रोज़ी पे और रिज़्क पे तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि यूट्यूबर जो लोग होते हैं, हम जैसे यूट्यूबर, हम कोई भी एजेंसी का जो प्रमोशन है ना, ऐसी फ्री फंड में कोई भी नहीं करता। और ख़ासकर जब ऐसे 3 डिजिट वाले बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, वो कोई भी चीज़ को उनको पसंद आया तो प्रमोट कर देते हैं। चलो मुंह से बोल दिया वो अलग बात है, लेकिन ऊपर से स्क्रीनशॉट भी लगा रहे किसी एजेंसी का, वो बहुत बड़ी जो है ना बात है। क्योंकि यूजुअली कोई भी ऐसे प्रमोशन नहीं करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं नाज़िया आपा कि भाई माँ गई प्रमोशन का फ्री का उम्रा पैकेज पे और बेटी ने जो है प्रमोशन का फ्री का गाड़ी लेकर आया, या फिर उसमें आधा पैसा जो है तुमने लगाया, आधा जो एजेंसी की तरफ से मिला? क्योंकि नाज़िया आपा का दिल कितना बड़ा है ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा परसों के ब्लॉग में। इतने पैसे वाली जो लाखों का सैलरी उठाती है, प्लस उनका हस्बैंड भी कमाते हैं, वो अपनी माँ के जो है ना फूल मिठाई जो भी वो रस्म करने गई थी, लेकिन उस रस्म में जाने वाले उम्रा पे 4 है लेकिन 3 हार लेके गई। और साथ ही साथ जो है ना इससे जो है अपने चैनल पे थैंक्स बटन जो है वो भी ऑन करके रखा है। मतलब ये इतना पैसे वाली हो नाज़िया आपा, लाखों रुपए तक तुम्हारे घर में मंथली आता है, तो इतनी क्या गरीबी हो गई कि भाई उम्रा पे जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसके लिए एक फूल माला तक जो है, 3 फूल माला लेके गए, उसके लिए फूल माला लेना नहीं हुआ, साथ ही साथ थैंक्स बटन ऑन करना पड़ा। इतनी क्या गरीबी आ गई भाई? एक माला कितना होगा, 50-60-100 रुपये का मान लो, इतनी तो गरीब तुम हो नहीं। साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि जो भाड़े के फ्लैट में रहते हैं ना, भाड़े के मकान में, उनका सबसे पहला यही ख्वाहिश होता है, वैसे तो उसका एक खुद का घर है, लेकिन अभी जो घर पर रह रही वो तो रेंटेड ही है, तो सबका एक ख्वाहिश होता है कि अपना खुद का घर सबसे पहले हो। और इनका तो प्लानिंग भी चल रहा था घर लेने का। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई कि रातों रात जो है नाज़िया आपा का प्लानिंग बदल गया, रातों रात गाड़ी का पेमेंट भी हो गया, रातों रात गाड़ी भी आ गया। मतलब कुछ तो ऐसा अजीब आप लोगों को लग नहीं रहा कि सच? मान लो मैं एक औरत, मैं आप लोगों को पिछले एक महीने से बोल रही हूँ मुझे घर लेना है, घर लेना है, मैं घर देखने जा रही हूँ, फाइनल करने जा रही हूँ, बातचीत चल रही है, उसके ऊपर ब्लॉग भी बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, और मैं रहती भाड़े के घर में हूँ। अचानक से मैं घर का जो क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग है, वो स्किप करके गाड़ी ले रही हूँ, और साथ ही साथ जिस एजेंसी से ले रही हूँ उसी एजेंसी का प्रमोशन भी कर रही हूँ। कुछ आप लोग को अजीब नहीं लग रहा है? अजीब ज़रूर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना इतनी कोइंसिडेंस एक साथ नहीं होता है। और ये जैसे लोग, ये इतने मतलब कि छोटे दिल के लोग हैं जो उम्रा पे एक एक्स्ट्रा बंदा बाहर का अगर घर पे जा रहा है, मतलब उम्रा पे जा रहा है, उसके लिए भी एक माला नहीं ले सकती, उसके लिए भी एक टावल नहीं ले सकती। यूजुअली तो टावल नहीं देते हैं, वो देते हैं क्या बोलते उसको, जो पहनते हैं क्या बोलते उसको, मैं भूल गई, वो देते हैं, वो बांधते हैं उम्रा के लिए। लेकिन उसने टावल दिया, चलो ठीक है, दिया दिया, ज़रूरत की चीज़ दी, वैसे तो ये नियम तो है नहीं, फिर भी अभी यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो है अनस के लिए उसने नहीं लिया। और साथ ही साथ जो है ना थैंक्स बटन भी ऑन करके रखा है। हालाँकि ऐसा है नहीं कि उसकी सैलरी बहुत कम आती है, या फिर पति की सैलरी भी कम आती है, मियाँ भी मिलके कम से कम लाखों के ऊपर तो घर में सैलरी जो है ना वो फेंक ही देते हैं। और बात रही अगर मतलब कार सडनली लेने की, तो भाई घर लेने की प्लानिंग चल रही थी और अचानक से कार ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना वो कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं ये मिली भगत है कि भाई तुम हमारा प्रमोशन कर दो, तुम्हारा इतना बड़ा चैनल है तो हम तुमको इतना डिस्काउंट देंगे तो तुम कार ले सकते हो। तो उसने सोचा वाई नॉट, अगर 1 लाख मतलब 4-5 लाख की गाड़ी हमको 1 लाख में मिल रही या फिर 1.5 लाख में मिल रही, तो डील कहीं से भी जो है ना हमको मतलब कि मतलब खाली फोकट का डील नहीं है, लॉस का डील नहीं है, डील जो है अच्छी खासी है। 1 लाख देके अगर गाड़ी मिल रहा है तो वाई नॉट, या फिर मुफ्त की भी गाड़ी हो सकती है। जैसे कि माँ ने भाई उम्रा जा रहे इतनी एडवर्टाइजमेंट कर ली, कौन सी एजेंसी वाला जो है ना घर में आते हैं भाई बैग देने के लिए और जो भी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन उम्रा वाला पर्सनली वो लोग इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि पर्सनली उनके घर पर आए, उनको हर चीज़ समझाए, कैमरा के सामने भी बातें की, तो कहीं ना कहीं से समझ में आता ही है कि ये जो है ना ये प्रमोशन की चीज़ें, और ये प्रमोशन की चीज़ों पे ही ज़िंदगी बिताते हैं।
जैसे कि माँ प्रमोशन की उम्र पैकेज पर फ्री का चली गई भाई और भाभी के साथ, और साथ ही साथ जो है ना बेटी ने प्रमोशन का गाड़ी ले लिया है, लेकिन सच ये कभी नहीं बताएंगे। जैसे कि अब्बा का सच, अब्बा कहाँ है, अब्बा है तो घर में, तो बेटा बहुत जब सवेरे ब्रेकफास्ट करने को जा रहे तो लॉक करके क्यों जा रहे, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट करके आ रहे तो अब्बा के लिए क्यों नहीं खाना ला रहे। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अब्बा का सच हो या बहन के तलाक का सच हो, तो इनके मुँह से जो बातें होती है ना बोलने वाली, जो जवाब देने वाली, जिसका जवाब पब्लिक मांग रही है कि अब्बा उमरा पे क्यों नहीं गए, अब्बा कहाँ है, फलाना डिंका जीनी के बारे में जो भी सारी चीज़ें, उनके बारे में वो बात करना पसंद नहीं करती। वो काम की बात है ना, मुद्दे की बात है, तो मुद्दे की बात वो कभी नहीं करेंगे, ना ही जवाब देंगे। बस पब्लिक को जो है छू बनाएंगे। छू कैसे बनाएंगे कि अब्बा है, जीनी का ये हुआ था तो तलाक हुआ था, भाई जीनी इतनी बेचारी तो मुझे लगती नहीं है कि पति ने जो है उसको यूट्यूब के लिए शादी किया और पति को मतलब जीनी को पता ही ना चला 9 साल रह के। तो ये कोशिश भले ही करते पब्लिक को चू बनाने का, पब्लिक को चू समझने का, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है नहीं। वो शुरू शुरू में था जब लोग पब्लिक जानते नहीं थे, अब इनको बहुत अच्छे से जानते हो। और तो और हमारी नाजिया आपा जो है कल नई गाड़ी की इतनी खुशी में पागल हो गई कि भाईजान दिन सवेरे से काम पे निकले, मुंबई का ट्रैफिक आप लोगों को पता है, दिन भर का थका हारा मानदा बेचारा, वो अपने ऑफिस से गया बोरीवली गाड़ी लेने, बोरीवली से गाड़ी चला के मुंबई का ट्रैफिक, और शाम का ट्रैफिक तो मुंबई वाले को बहुत अच्छे से पता है, शाम का ट्रैफिक में गाड़ी चला के वो घर पे आए, उनके हाथ में कैरी बैग, हाथ पे हेलमेट, पीठ पे बैग, साथ में अजम, वो पागल इतनी हो गई कि भाई दिन भर से पति मेरा थका हारा मानदा आया गाड़ी चला के ट्रैफिक में, मुंबई के ट्रैफिक में, लाओ थोड़ा बोझ मैं कम कर देती हूँ, लाओ तुम्हारा बैग मेरे को दे दो, तो तुम हेलमेट पकड़ो, तुम्हारा बैग थैला पकड़ मेरे को दे दो, अजम को तुम पकड़ लो। वो बेचारा जो है बोझा उठाता रहा, और मैडम जो है वैसे इतनी पागल हो गई गाड़ी की खुशी में कि भाईजान हमारे इतना बोझा उठा रहे, उसको समझ में ही नहीं आया, भाई आपा जान वो पति है, कोई मशीन नहीं है, जिस तरीके से तुम उसको ट्रीट कर रहे हो ना, तुम्हारा नसीब अच्छे है कि कोई लड़का अमूमन तौर पर ऐसा होता नहीं कि अपना धर्म बदल ले, ऊपर से हिंदू लड़का बहुत कम होता है, रेयर केसेस होता है, 100 में से 1 बंदा ऐसा निकलता होगा। तुमने शायद कोई अच्छा काम किया होगा, या फिर तुम्हारे बाप के अच्छे कर्मों से तुमको जो है ना ऐसा पति मिला। छोटी बहन को मुँह फेर के देख लो उसकी आज क्या हालत है, तलाकशुदा होके बैठी है। सो अपना जात धर्म बदल के, अपने माँ बाप छोड़ के, तुम वैसे कोई हूर की परी भी नहीं थी और ना ही कोई करोड़पति थी, अब तुम लाखों में कमाते, उस टाइम में लाखों में भी नहीं कमाती थी, फिर भी बेचारे ने तुम्हारे लिए जात धर्म बदल के, खतना बुढ़ापे में करके, मतलब जवानी में खतना करके, सब कुछ करके आज तुम्हारे नखरे उठा रहा है, आज तुमको जो है ना संभाल रहा है, तुम्हारे जो है ना टेंशन झेल रहा है। तो वो बेचारा मशीन नहीं है, थोड़ा इज्जत दो उसको, उसका जो है ना थोड़ा तकलीफ़ तुम भी समझो कि किसी और की औलाद को तुमने अपने पास रखा है तो हाथों में रखना सीखो। तुम्हारे बेटे के साथ अगर कोई ऐसा ट्रीट करेगा ना, बोलते ना कर्मा कॉलिंग, तो कर्मा अगर वैसे तुम्हारे बेटे के ऊपर, आजम के ऊपर घूम का है, तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा ट्रीट करा तो कैसा लगे, अल्लाह ना करे आजम उज़्मा तब्बू मतलब तरवेज़ और यूसुफ के साथ ऐसा हो कभी भी ऐसा, अल्लाह चारों बच्चों को दोनों जहानों की खुशियाँ दे, बुरी नज़र से बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बट वही चीज़ अगर तुम्हारे बेटे के साथ होगा तो कैसा होगा, तुम तो खा जाओगी बहू को, खा जाओगी उसके ऊपर, टूट पड़ोगी। है कि पति को थोड़ा संभाल के रखना सीखो, वरना घूम के एक बार देख लो अपने बहन को, तो पति का जो मोह है ना वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा तुम। और वैसे भी नया गाड़ी आया है, सदका दो, सबसे पहले तो गाड़ी का सदका निकालो, और नफल शुक्राना नमाज का जो है ना वो अदा करो, दरगाह जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि जिसके बदौलत हमको ये चीज़ मिली है तो सबसे पहले थैंक यू तो उसका बनता है, तो ये दरगाह वरगा बाद में, पहले जो है ना नए चीज़ के जो है ना शुक्राना अदा कर लो और उसका सदका निकाल दो, बाद में दरगाह वरगा जहाँ भी जाना है वो जाओ, और जो कंपलसरी है ना वो करो। तो और वैसे भी दीन की तुम लोग को क्या ही नॉलेज है, तुम्हारी माँ को ही नॉलेज नहीं है, वो बेचारी एयरपोर्ट गई बिना बगैर बुरखे के गई, वो बहू वो खुद का आलिमा कहती है हाथ में ग्लव्स तक नहीं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे टैटू देख के कि मेरा टैटू आपके हाथ में, आप मुसलमान हो टैटू, जी हाँ मैं पहले ये थी, और भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं क्योंकि मेरे बॉडी में कुल 7 से 8 टैटूज़ है, और 7 से 8 टैटूज़ को ना पर इंच जो है ना बहुत पैसे लगते हैं मिटाने को, कम से कम लाखों का धक्का लगेगा, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं, जिसके पास है वो मुझे दे दो मैं रिमूव करवा दूँगी, जिसको अगर इतनी मिर्ची लगती है, भाई मेरे पास तो इतना नहीं है, लाखों रुपये भाई बहुत बड़ी बात है, मेरे पास लाखों रुपये तो सबसे पहले मैं पति का दुकान देकर बिठाऊँ, छोटा मोटा सा दूसरों की गुलामीगिरी करने से अच्छा। एनीवेज तो तुम्हारी जो भाभी जान है नई वाली दुल्हन छोटी बहू घर की, तो वो
जो है खुद को आलिमा बोलते हैं, लेकिन इल्म तो दिन तक उसको भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ऐसी आलिमा देखी जो एयरपोर्ट में जा रही थी वीडियो शूट करके, वो भी फ्यूचर यूट्यूबर। मैंने बोला था ना इसको भी यूट्यूब में लॉन्च करेंगे और उसका खुद का चैनल भी आएगा, आप लिख के ले लो ये बात। फ्यूचर यूट्यूबर वीडियो शूट कर रही है, हाथ में ना ग्लव्स है ना कुछ है, वेव तो ऐसे कर रही है, वो उमरा को नहीं जा रही, वो जो है ना हनीमून को जा रही है या फिर कोई अब्रॉड में जो है ना हॉलीडेज को जा रही है। सो दीन की नॉलेज तो तुम लोगों में किसी को भी नहीं है, चाहे तुम किसी को भी आलिमा बना दो, लेकिन वो आलिमा का जो इल्म है उसको 70% का भी 60% भी नहीं है, 100 में से 70 तो चलो 7% भी नहीं है। एनीवेज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अभी फिलहाल अल्लाह हाफिज़, सामिया की दुआ की दरख्वास्त है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए हो या फिर काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोज़ देख रहे हो आके, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे घर का डिजिटल मेम्बर बन जाओ यार, हम गरीबों का फैमिली मेम्बर बनने में क्या दिक्कत है आप लोगों को। और साथ ही साथ कमेंट करके आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो के रिगार्डिंग, ज़रूर शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।